गजेंद्र के अंदर जाने के बाद उसे कभी बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। जिन बैंक्स ने उसे लोन दिया था उन बैंक वालों ने सारी प्रॉपर्टी ले ली और जिसने पैसे जमा किए थे वो लोग उसके घर वालों को परेशान करने लगे। इतनी बेइज्जती उसके घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए जहर खाकर उन्होंने जान दे दी। तड़प तड़प कर वो बरसों बाद बाहर आया है। शुक्रा फाइनेंस में जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे उन लोगों का एक एक रुपया ब्याज समेत वापस करने का फैसला किया है और इसीलिए उसने शक्ति बेल के ज्वेलरी शॉप में डाका डालने का स्केच बनाया है, लेकिन तूने उसे नाकाम कर दिया। ऊपर वाला भी अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ऊपर बुलाता है, लेकिन बापी लोग आज भी यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आज उन लोगों को देखकर मैं सच में बहुत शॉक हो गई। अर्जुन ऑटो, घर पहुंचते ही कॉल कर देना। बाय। अब एक मिनट रुकिए अर्जुन, उनके पास ही रहना और उनका ख्याल रखना। जो इंसान अच्छा करना चाहता है उनके बारे में अच्छा सोचना ही काफी होता है। भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। बाइबल, कुरान, भगवद गीता, इन सब में बिल्कुल एक जैसा ही लिखा है, हर इंसान को अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना होता है। अगर तुम अभी प्रायश्चित नहीं करोगे अर्जुन, तो कल हमारे होने वाले बच्चों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। चाय का कितना हुआ? पता है, जब वो शक्ति बेल आकर जॉनी तू ही है ना कहा था, तब मेरे पूरे शरीर में आग लग गई थी। ऐसे टाइम पे हमेशा अपने पास बर्फ रखनी चाहिए। दोबारा उसका कोई स्केच बनाना चाहते हो क्या? काम हो गया तो बॉडी ठंडी हो जाएगी। भाई थोड़ा कांदा ज्यादा डाल के चार ऑमलेट बनाओ। यहाँ मेरा ऑमलेट बन चुका है, तुम्हें दूं? चाय पी और निकलो, होटल बंद करना है। बड़ी जोर की भूख लगी इसलिए बोल रहा हूँ, बना कर दे दो। ये बताओ, उस शक्ति बेल के दुकान में स्केच डालने का क्या मतलब था? वो तुम जानकर क्या कर लोगे? कोई बात नहीं, बताओ। रात के 9 बजे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जॉनी का प्लान सुनकर उसमें मुझे बहुत रिस्क लगा, क्योंकि चारों तरफ सीसीटीवी कैमराज और सिक्योरिटी रहती है, सारे गहने लॉकर्स में नहीं रहते, काम होने का कोई चांस ही नहीं है। करना तो है, इसलिए मैं करूंगा जरूर, लेकिन अपनी स्टाइल से। ए, जरा आराम से रखना। हम तुझे कुत्ते दिख रहे हैं क्या? ये है मेरा मास्टर प्लान। क्या कमाल का आइडिया है, डाका डालने के लिए नहीं, जेल जाने के लिए। बकवास, काम शुरू होने से पहले अपशकुन वाली बात नहीं करते। क्या शुरू करने से पहले? जॉनी, मैं प्लान बना रहा हूं। क्या है वो प्लान? पहले सोचने दो। अरे पागल हो गया है तू, इसे क्या जेब काटने जैसा समझता है? ए सुन, एक हाफ फ्राई बना मेरे लिए। मुर्गे का बच्चा लाया हूँ, बड़े होकर अंडा देगी तो बना कर लाऊंगा। जॉनी, मैंने डिसाइड कर लिया है। भाई ये प्लान बनाने में आधा महीना लगा देते और तू हाफ ऑमलेट खाते ही। तू पहले ही हमारा सारा राज उसे बता कर आया है, तेरा चेहरा भी उसके कैमरा में कैद है, तुझे क्या ये मजाक लग रहा है? तुम तुम्हारा बदला चुकाने की सोच रहे हो और मैं मसले का हल निकालने की सोच रहा हूँ। क्या मतलब? मैं उससे दूर रहूंगा तो वो क्या सोच रहा है समझ में नहीं आएगा, अगर उसके पास रहा तो। नमस्ते सर। ए, सर ने बैठने को बोला क्या? सॉरी सर, सॉरी। क्या काम है सर? वो मैंने गजेंद्र जी के बारे में आपको बताया था ना, तब आपने कहा कि आप उसे जानते ही नहीं, उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर उन्हें देख कर आया। तो क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं सर, अगर मैं गजेंद्र के साथ रहता तो सारी बातें सुनकर आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता। इंसान कोई भी काम करे लेकिन अपने फायदे के लिए, ऐसा आप ही ने कहा था ना सर, इसलिए। वैसे आप खुद ही समझदार हैं सर, जरा सोच कर देखिए। थैंक यू सर, चलता हूँ सर। बच्चे? जी सर। लास्ट है ये? समझ गया सर, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, चलता हूँ सर।
भाई मुझे सिर्फ दो दिन का टाइम दो भाई, माल समेत उसे आपके सामने लाऊंगा। दो दिन देने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, अब जिंदगी और मौत का सवाल है। भाई भाई मुझे मेरी कसम भाई, उसे छोड़ूंगा नहीं भाई। हेलो, बस बस हेलमेट पहन के रखे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हेलमेट के ऊपर ग्लास है, उससे नीचे के गिरे हुआ पैसा दिखाई नहीं दे रहा है? एक बार गुम हो जाने पे दोबारा नहीं मिलता, याद रखना। इसे रखो, शक्ति के यहाँ डाका डालते समय ये बहुत काम आएंगे। यार तू इतना सारा पैसा लेके आया, कहाँ से लाया यार? तेरी नानी की सास शक्ति बेल ने दिया है। क्या, उसके यहाँ डाका डालने के लिए उसने ही पैसा दिया? सुनो, चार चाय लेकर आना। यार तुम मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने गजेंद्र की पोल खोली इसलिए उसने मुझे ये टिप दे दी। देखा जानी, एक इन्फॉर्मेशन के बदले इतने सारे नोट। सच कहा है किसी ने, बड़े लोग बड़े ही होते हैं। सुनो, वो वक्त के साथ चलता है, अपना काम पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके साथ रहकर तुम्हें कुछ करना है ऐसा कहा था ना, वो काम कहां तक पहुंचा? उसके लिए एक तीर छोड़कर आया हूं। क्या है सर? आपने एक छोटी सी बात बताने पर मुझे बहुत पैसों की मदद की। सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूं, गजेंद्र को ही रास्ते से हटा देंगे तो आपके रास्ते का कांटा हट जाएगा। अगर ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हो सर। जहां तक मैं जानता हूं, गजेंद्र का बहुत बड़ा गैंग है। उस गैंग में कौन कौन है इस बात का पता लगाने से पहले वो लोग आपका स्केच बनाकर अपना ही खेल खेल कर निकल सकते हैं। खैर छोड़िए सर, बड़े लोगों की बड़ी बातें। यहां आकर डाका भी डाला जाए तो वो बाहर नहीं जा सकते हैं। बिल बहुत ही छोटा जो है। आगे आप समझदार हैं सर, चलता हूं। उसके खजाने को खाली करने का आइडिया तुझसे मांगा तो तूने उसे हमें इस दुनिया से उठाने का आइडिया दे दिया है। जॉनी भाई, अभी से आपका दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है? उसके दिल में मुझे मेरा विश्वास जमाना है। अगर मेरा कैलकुलेशन सही निशाने पर बैठा तो कुछ ही देर में मेरे पास उसका कॉल आएगा। वर्कआउट हो गया। शक्ति बेल, तू जल्दी नहीं मरेगा, समझा? हेलो बच्चे। कौन? मैं हूँ बेटा, शक्ति बेल। सर सर सर, नमस्ते सर। तुमने बताया था मेरे खिलाफ कोई स्केच बना रहे, कौन है वो? वही सर, गजेंद्र। वो नहीं, तुमने कहा था उसके साथ कोई है, कौन है वो बेटा? सर उनके साथ पूरी टीम है सर, मुझे उनमें से किसी का नाम नहीं पता है, लेकिन आप कहो तो मैं पता लगा कर बताता हूँ आपको। तुम एक काम करोगे? हाँ बोलिए सर। उस ग्रुप में किसी भी तरह तो शामिल हो जा। अरे नहीं सर, दरअसल मुझे बहुत डर लगता है सर। डरने की क्या जरूरत है बेटे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सर ये बहुत बड़ा मैटर है ना सर। फिक्र मत करो बच्चे, मैं तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। क्यों, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? जी है ना सर, आप कह रहे हैं इसलिए हाँ कह देता हूँ। करो काम उनके साथ करो और वफादार मेरा बनकर रहो। बॉस जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। शक्तिवेल उनके लिए जो गड्ढा खोद रहा था उसमें वो खुद ही गिर गया। अरे मेरी खोपड़ी में तो कुछ नहीं घुस रहा है, तू मुझे शौक दे रहा है। लगता है आज एक क्वार्टर ज्यादा पीनी पड़ेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तू क्या कर रहा है। तुझे समझ रहा है ना, तो ठीक है। वो कोई गोल्ड डीलर है ऐसा तुमने कहा था, क्या नाम है उसका? अब वो किस लिए बताओ ना। मूर्ति मूर्ति। क्या कहा उसने? कुछ नहीं छोड़। अरे क्या कुछ नहीं छोड़, हम चार लोग यहाँ पर बैठकर ओपनली डिस्कशन कर रहे हैं, फिर उसने तुम्हारे कान में बोला क्या? अगर ये बात है तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ए अर्जुन, तू टेंशन क्यों ले रहा है? अरे क्यों टेंशन ना लूं मैं, अब मैं भी उसके कान में जाकर ये बात फूंक दूंगा। कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा। ए अर्जुन अर्जुन अर्जुन, ए
तेरी माँ ने तुझे किस वक्त पैदा किया था? उसकी आदत पता नहीं है क्या? क्या जरूरत थी उसके सामने मेरे कान में मंत्र पढ़ने की? उसी का, उसी का, उसी का। बात कर। हाँ बोल यार। ठीक है मैं आ रहा हूं। जानी हम दोनों बाहर जाकर आते हैं। तू यहीं पर है।